हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ़ यू। तो इस वीडियो है पार्ट टू वीडियो। जो पहला वीडियो था वो शायद अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। इस वीडियो में आपका जो जो सवाल है सभी चीज़ आपको मिल जाएंगे, जैसे कि इवेंट के डिटेल्स, SCM इवेंट के बारे में, UPI पेमेंट, कार्ड पेमेंट रिलेटेड कब तक आ सकता है कार्ड पेमेंट, ट्रैफिक रिलेटेड कब तक ट्रैफिक देंगे, सब चीज़ इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो जो जो आपके मन में सवाल घूम रहा था, हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, सभी पॉइंट्स इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखो, कोई भी पॉइंट मिस मत करना, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो एक एक करके मैं बोलते जाऊंगा, आप ध्यान से सुनो। तो पहला पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ, उससे पहले आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फिर भी बैक ऑफिस में अपडेट्स आने वाला है। हर एक लीडर्स अपडेट लिया तो बैक ऑफिस में अपडेट आ जाएंगे, एंड उसके अलावा मीटिंग का रिकॉर्ड शायद आ सकता है, बैकएंड पे मीटिंग का रिकॉर्ड आ सकता है, तो वो मैं सुनूंगा। फिर भी कल सुबह में एक वीडियो, अगर हो सके कुछ पॉइंट मिस हो जाए या ऐसा कुछ हो, फिर भी मैं बना के आपके लिए सब पॉइंट्स कवर कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि आपको हर एक पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है, ऐसा जो जो बात बोला है मुझसे सब चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट्स यही है कि हमारा इवेंट जो होने वाला है, ठीक है, वो कब तक हो सकता है, वो डेट फिक्स्ड हो चुका है। मैंने सुबह पे ही बोला था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा कुछ होने वाला है, तो वही होंगे मुझे लगता है। ऐसा खुल के तो नहीं बताया, सिर्फ यही बोला कि 21 सितंबर एंड 25 सितंबर दो डेट याद रखना, 21 सितंबर एंड 25 सितंबर, ये जो डेट है ये बड़े कुछ होने वाला है, बिग न्यूज़ आने वाला है, एंड मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल पर, टीवी चैनल पर। तो बोला है, ये क्लियरली बोला, टीवी चैनल पर आएंगे, न्यूज़ पे आएंगे, जो चीज़ होने वाला है कब होंगे, 21 सितंबर एंड 25 सितंबर, दोनों डेट पे ही होंगे, दोनों डेट पे ही मेन स्ट्रीम का बिग इवेंट होने वाला है। तो अगर आपको मुझे लगता है क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं बताने वाला, ठीक है, आप ही देखो। एसन ने खुद नहीं बताया तो मैं क्या बता सकता हूँ। तो एसन ने भी बोला, बैक ऑफिस में आके बना के रखो, अपडेट्स आपको मिल जाएंगे क्या होने वाला है। वो मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ अपडेट्स आएंगे, वीडियो वगैरह आएंगे, सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहला है कि 21 सितंबर, सेकेंड है 25 सितंबर, दोनों, ठीक है, 21 और 25। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है 1 अक्टूबर, हो गया 21st, हो गया 25th, हो गया, अब यह 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर अ मैसिव इवेंट फॉर रॉयल अटलांटिस बाय SCM, मतलब सुपर कज मजलिस। तो सुपर कज मजलिस का एक फिर से एक वो कार का जो होता है ना, रैली होता है, वो होंगे, लेकिन वहाँ पे क्या होने वाला है, वहाँ पे हमारा भी नाम रहेंगे, एंड उसके साथ रॉयल अटलांटिस के लिए रहेंगे, जो शायद दुनिया में सबसे महंगा होटल है, रॉयल अटलांटिस है, तो वो होने वाला है। And we are feature all of them, हम सब कार पे फीचर्स करेंगे हमारा नेम, उसके साथ रॉयल अटलांटिस का भी। एंड वी आर द मार्केटर, हम मार्केटिंग करेंगे उन लोगों के लिए। एंड वी हैव फ्यू एक्सक्लूसिव इवेंट, मेरे पास हमारे पास साथ कुछ एक्सक्लूसिव इवेंट भी रहने वाले, तो ऑन पैसिव के साथ, तो वो सब हम 1 अक्टूबर देखने वाले। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ऐसा ने बाद में ये बताया कि हो सकता है ये इवेंट का डेट 1-2 दिन आगे पीछे होए, क्योंकि जो जहां पर ये कार, इतना सारा कार आएंगे ना, 150, 200 या 300 शायद कार आएंगे, तो ये इतना सुपर कार्स पार्किंग भी तो करना है, तो इसके लिए पार्किंग के लिए उन लोगों को पहले से पार्किंग बुक करना पड़ता है। तो एसन ने बोला शायद हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, क्योंकि पार्किंग का डेट नहीं मिल रहा है। तो ये सर बाद में बताया, तो मेरे दिमाग पर आया, मैंने आपको बता दिया। तो जो भी है अपडेट आ जाएंगे, 1-2 दिन ऊपर नीचे में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो ये सब झेल चुके हैं पहले भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये था थर्ड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे भी अपडेट पॉइंट जो आप लोग जानना चाहते हो कि कितना लोग ओ कनेक्ट में रजिस्ट्रेशन किया है, कितना लोग बाय किया, तो इसके बारे में ऐसा ने सिर्फ ये बताया कि जो लोगों ने ओ कनेक्ट बाय किया उनमें से 18-20% लोग नॉन फाउंडर है। क्या बोला, 18-20% लोग नॉन फाउंडर है, एंड 80% फाउंडर्स लोगों ने बाय किया है। ये जो लोगों ने बाय किया, ये इसमें मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कहाँ से आया, कस्टमर्स जो है वो आया मेट्रो स्टेशन से आया,
आया, बुर्ज खलीफा से आया, एससीएम से आया, तो ये सब जगह से ये सब आया एंड और भी बहुत लोग हैं तो वो और भी खरीदेंगे। अभी सिस्टम तो बंद है, वो आ जाएंगे तो खरीदेंगे। अभी सिस्टम के बारे में, जो कार्ड पेमेंट्स के बारे में जो बताना था वो बता देता हूँ कि विद इन 24 आवर्स कार्ड पेमेंट सिस्टम स्टार्ट हो जाएंगे। खुश हो ना आप सब लोग कि 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स हमारा कार्ड पेमेंट फिर से ऑन हो जाएंगे। लेकिन ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये ध्यान से सुन लो कि जो कार्ड पेमेंट होने वाला है यहाँ पर कुछ अलग चीज़ होने वाला है। पहले तो क्रिप्टो तो है, इसके अलावा कुछ कार्ड पेमेंट्स आने वाले हैं वो सब ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनना, स्पेशली कुछ कोडिंग किए गए हैं कि आप 1 घंटे में एक कार्ड से एक ही बार पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बार पेमेंट करने की कोशिश मत किया करो। अगर आप 1 घंटे में 4-5 पेमेंट कर देते हो एक कार्ड से, तो आपका कार्ड नेचुरली ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि बैंकिंग का सिस्टम ये है कि एक जगह पर एक ही अमाउंट बार बार जा रहा है, तो मतलब कुछ सस्पिशियस चीज़ है, ध्यान से सुनना। तो ये सस्पिशियस चीज़ बाद में इंक्वायरी बीटते हैं या पूछते हैं कि कहाँ पेमेंट जा रहा है, उन लोगों को पूछते हैं, ऑन पैसिव को पूछते हैं कि एक बंदा तो एक ही चीज़ खरीद सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्यों कर, बहुत सारा सवाल उठता है। ठीक है, देयर इज़ अ चार्ज, कमीशन, फाइन, बहुत कुछ इन्वॉल्व हो जाता है बाद में। तो आपके लिए सिर्फ यही बात है कि अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो घंटे में एक करो या 1 दिन में 2-3-4 पेमेंट करो, आपका एक कार्ड है तो ठीक है, एक कार्ड से 70-80 का कार्ड पेमेंट कर दिया, ऐसा मत किया करो, धीरे धीरे करो। ठीक है, आज किया, 2 दिन बाद किया, नेक्स्ट डे किया, एक दिन में 2-3 पेमेंट किया, घंटे में 2-3 घंटे छोड़ छोड़ के ऐसे किया करो, नहीं तो आपका कार्ड ब्लॉक होने का चांस है। तो 1 दिन में 1 घंटे में 3-4 पेमेंट ऐसा मत किया करो, तो आपका कार्ड नेचुरली ब्लॉक कर देगा, बैंक ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो बता दिया आपको सिस्टम कैसे क्या पेमेंट करना है एंड 24 आवर्स का कार्ड पेमेंट, 24 आवर्स के अंदर कार्ड पेमेंट आने वाला है। ठीक है, तो हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप 1 दिन में बहुत सारा पेमेंट करना चाहते हो, 1 दिन में 1 घंटे में अनलिमिटेड पेमेंट करना चाहते हो, जितना हो सके करना चाहते हो, तो आप क्रिप्टो यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनमें कोई बाधा नहीं है। जितना हो सके आप क्रिप्टो यूज़ करो, कोई इशू नहीं। ठीक है, जितना पेमेंट मन चाहे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्रिप्टो में ये सब छूट है, तो अगर चाहते हो तो आप क्रिप्टो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, जिस देश में, जैसे कि बांग्लादेश, तो जिस देश में क्रिप्टो इलीगल है तो प्लीज़ उस देश क्रिप्टो मत यूज किया करो। तो जिस में इलीगल है वो प्लीज डोंट यूज क्रिप्टो। नेक्स्ट है आफ्टर ओ कनेक्ट के बाद ओईएस का मोबाइल एप्लीकेशंस आने वाला है। तो ऑल फीचर्स इन ऐप, तो जो भी फीचर्स ओईएस का है बाहर में हम वेबसाइट में देखते हैं, वो एप्लीकेशन में होने वाला है। बट वेट फॉर ऑफिशियल अपडेट, ये भी ऑफिशियल अपडेट के तौर पे आएंगे, शायद इस महीने के लास्ट तक आने का चांस है। ठीक है, तो देखना जो भी होंगे हम बता देंगे, जब भी अपडेट्स आएंगे आपको बता देंगे, लेकिन फिर भी ऑफिशियल अपडेट के लिए वेट करो। नेक्स्ट है कि जीपे और यूपीआई, धीलन सर ने क्वेश्चन पूछा था कि बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर, लोगों को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो कार्ड का, इंटरनेशनल कार्ड का इशू है, तो जीपे या गूगल पे, फोन पे, ऐसे जरा यूपीआई सिस्टम आएंगे, आ सकता है क्या? ये धीलन सर पूछा, बहुत अच्छा सवाल किया सब हम सभी के लिए। तो ऐसा आंसर बहुत अच्छा दिया कि देखो ये चीज हम तो ला सकते हैं, कोई ये कोई बड़ी इशू नहीं है कि हम नहीं ला सकते, बहुत ज़्यादा लोग ला सकते हैं, लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम है, वो क्या है कि 18% जीएसटी लगने वाले है। जैसे कि इंडियन पेमेंट सिस्टम है तो इंडियन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, तो इंडियन को टैक्स देना पड़ेगा मतलब 18% जीएसटी है। तो आप अगर हिसाब लगा सकते हो तो लगभग $143 का, तो $28-25 के आसपास तो लग ही जाएंगे, $25 मतलब 2000 के करीब। ठीक है, आपको मैं अगर बता देता हूँ ऐसे अभी बता देता हूँ, तो $143 का अगर 18% जीएसटी लगता है तो होता है कितना डॉलर पता है? तो होता है 10.91 मतलब 120, तो ओरिजिनल प्राइस जो है, ठीक है सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो 143 अगर टोटल प्राइस है, टोटल हम लोगों को जीएसटी 18% देना पड़ेगा $168.74। तो सोच सकते हो $168.74 तो बहुत होता है। ठीक है, 143 बढ़ के उतना हो गया, तो इंडियन करेंसी में जो बन गया 13,981 रुपीज, लगभग 14,000। तो जो प्राइस हम लोगों को 12,500 में मिल रहा है तो वो हो जाएगा 14,000, 1,500 ज़्यादा। तो इसलिए ऐसा बोल रहे
रहा है तो ये जीएसटी कौन देगा, ये जो जीएसटी है ये कौन देगा। तो इसलिए हम ये सिस्टम नहीं ला रहे हैं। अगर इन फ्यूचर हम ला सकते हैं, इन फ्यूचर अगर कोई वैसे बात हो सकता है तो हम लाएंगे, ऐसा बोला है। ठीक है, तो ये यूपीआई का सिस्टम आपको बता दिया, क्लियर कर दिया। तो अभी तो नहीं आने वाला, ये भी बता दिया कि अभी यूएसए में डॉलर में ही पेमेंट करना है, अभी तो नहीं आने वाला, ये क्लियर कट बोल दिया। अभी ट्रैफिक लास्ट पॉइंट है, ट्रैफिक की एलोकेशन के बारे में। तो अगर ट्रैफिक लेना चाहते हो या ट्रैफिक मिलने वाले है, तो तीन इशू है, ध्यान से सुनना, तीन पॉइंट्स है। पहला आपको फाउंडर होना पड़ेगा, दूसरा आपको ओ कनेक्ट का जो पेड वर्जन वो लेना पड़ेगा, एंड नंबर थर्ड आपको एफिलिएट साइन करना पड़ेगा। जो बीकॉम एंड एफिलिएट ऑप्शन है ना एनडीए में, जो साइन कर चुके हैं एनडीए, जो बीकॉम एंड एफिलिएट एंड एनडीए एक ही बात है, तो वो अगर साइन कर चुके हैं पहले ही तो वो सही है। तो ये तीन पॉइंट्स है, फाउंडर होना पड़ेगा आपको, ओ कनेक्ट खरीदना पड़ेगा, एंड आपको एफिलिएट साइन करना पड़ेगा। अगर ये तीन चीज़ कर चुके हो तो यू आर क्वालिफाइड नाउ, टाइम एंड डेट के अनुसार आपको ट्रैफिक मिलने वाले। लेकिन एक दिन चीज याद रखना, दिस इज नॉट टारगेटेड ट्रैफिक। ये टारगेटेड ट्रैफिक नहीं है कि हाँ इनमें से हर एक चीज लोग खरीदेगा, ऐसा नहीं है। इनमें से ये है ऑफेंस लोग, जो लोग ऑन पैसिव को सुपर कर मजलिस हो या बुर्ज खलीफा शो हो या हमारा मेट्रो स्टेशन हो, जहां से देख के इंटरेस्ट दिखाया, पोटेंशियल कस्टमर है जो लोग देख के इंटरेस्ट के साथ आया है कंपनी में, अभी वो शायद खरीदना चाहते हैं, आज खरीदे या कल खरीदे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो हम लोग के साथ एलोकेट किया जाएगा। वो लाखों में है तो वो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, उसके बाद टारगेटेड ट्रैफिक का बात आएगा। ठीक है, तो अभी यहीं पर खत्म करते हैं, जो अपडेट था हर एक चीज बता दिया। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, 14 सितंबर हमारा एप्लीकेशन आने वाला है, एंड 14 सितंबर एस सर का बर्थडे है, तो उस दिन हमको बता देंगे, अभी विश करने का जरूरत नहीं, उस दिन विश करना है। ठीक है, तो अभी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को हर एक के साथ शेयर करो, हर एक पॉइंट्स मैंने कवर किया, कोई पॉइंट मिस नहीं किया, सबके साथ सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि वीडियो का रीच ज़्यादा होना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू to all of you, thank you.